हाय फ्रेंड, मैं नंदलाल मौर्य आपके यूट्यूब मैथ्स अशोक वाटिका में स्वागत करते हैं। हम लोग देखेंगे आज सियालदह डिवीजन का क्वेश्चन पेपर। ये ट्रेन मैनेजर का क्वेश्चन पेपर है। ये एग्जाम कंडक्ट हुआ था 25/3/2023 को। इसको देखेंगे और वीडियो पसंद आएगा तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं, पहले नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। पहला क्वेश्चन क्या है, KBGB पावर प्लांट को कोयले की आपूर्ति की जाती है, तो इसमें ये किया जाता है बॉक्सियन और BOBRN में किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों सही है। ये भी पूछा जाता है KBGB का फुल फॉर्म क्या होता है, तो ये होता है कोम गाता मारू बज बज होता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन क्वेश्चन है KBGB पावर प्लांट को कोयले की आपूर्ति की जाती है, तो बॉबियन है और BOBRN है, तो इन दोनों में किया जाता है। अगले क्वेश्चन पूछा गया था, रेलवे ट्रैक के लिए बैलास्ट ले जाया जाता है, तो ये किस में ले जाया जाता है, बोबियन में ले जाता है, BOBN में, बोबियन में ले जाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही है। तीन नंबर का क्वेश्चन है, तीन नंबर जो है लिक्विड पेट्रोलियम ले जाया जाता है, तो ये BTPN में ले जाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, बैगेट सीमेंट ले जाया जाता है, तो ये ले जाया जाता है BCN में। ऑप्शन नंबर बी सही है, बैगेट सीमेंट ले जाया जाता है, तो ये ले जाया जाता है BCN में। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, सियालदह डिवीजन में कंटेनर ट्रैफिक ले से निपटा जाता है, सियालदह डिवीजन में कंटेनर ट्रैफिक से निपटा जाता है, तो ये क्या क्या है। पांच नंबर का क्वेश्चन था, कासिम बाजार, सारागाछी और कल्याणी, तो ऑप्शन इन प्रयुक्त में से कोई नहीं है। ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सियालदह डिवीजन के DRM कौन है, तो ये है डी निगम, है श्री डी निगम। ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, वैगनों का TXR किसके द्वारा किया जाता है, तो सात नंबर का क्वेश्चन, तो ये यांत्रिकी विभाग द्वारा किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही है। आठ नंबर का क्वेश्चन पूछा गया था, है पूर्व रेलवे के महाप्रबंधक कौन है। आठ नंबर का क्वेश्चन, तो सी श्री ए अरोड़ा है। ऑप्शन नंबर ए सही, सी ए अरोड़ा है। ऑप्शन नंबर सी सही है। नौ नंबर का क्वेश्चन पूछा गया था, GDR किसके द्वारा तैयार किया जाता है, तो ये तैयार किया जाता है गार्ड और चालक दोनों के द्वारा तैयार किया जाता है। ऑप्शन नंबर आपका सी सही है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, RR रेलवे रसीद किसके द्वारा बनाया जाता है, क्वेश्चन नंबर 10 नंबर, तो ये गुड्स शेड सुपरवाइजर के द्वारा तैयार किया जाता है। RR रेलवे रसीद किसके द्वारा बनाया जाता है, तो गुड्स गुड्स शेड सुपरवाइजर के द्वारा बनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, 11 नंबर का क्वेश्चन, एक मानक बीसीएन रैक में बीसीएन वैगनों की संख्या कितनी होती है, तो 42 होती है। 11 नंबर का क्वेश्चन है, बीसीएन में वैगनों की संख्या कितनी होती है, तो 42 होती है। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, 12 नंबर का क्वेश्चन, मानक BTPN रैक में BTPN वैगनों की संख्या कितनी होती है, तो ये होती है 50 होती है। ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2020 के अनुसार है, 2020 मास्टर सर्कुलर दरों के अनुसार ये बताया गया है 50 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 13 नंबर का क्वेश्चन है, एक मानक मोबियन रैक में BOBYNHS वैगनों की संख्या कितनी होती है, 13 नंबर का क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर ए 54 वैगन होता है। ऑप्शन नंबर ए सही है। 14 नंबर का क्वेश्चन है, देखेंगे सियालदह डिवीजन में NMG वैगनों का उपयोग किसकी अनलोडिंग के लिए किया जाता है, ऑटो और चार पहिया वाहन के लिए किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, एक मानक NMG रैक में NMG 15 नंबर का क्वेश्चन है, 25 वैगन होते हैं। ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा सियालदह रेलवे डिवीजन के अधिकार क्षेत्र में नहीं है, तो 16 नंबर का क्वेश्चन है, दानकुनी नहीं है, बजबज है, राणाघाट है, बारासात है,
नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, सियालदा स्टेशन और बजबज स्टेशन के बीच की दूरी कितनी है? 17 नंबर का क्वेश्चन है, तो ये 26 किलोमीटर है। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला क्वेश्चन पूछा गया, सियालदा स्टेशन और राणाघाट स्टेशन की बीच की दूरी कितनी है? 18 नंबर का क्वेश्चन है, तो 73 किलोमीटर है। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, 19 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया था, सियालदा स्टेशन और गेड़े स्टेशन के बीच की लगभग दूरी कितनी है? तो ये है आपका 116 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर डी सही। ये कुछ क्वेश्चन है सियालदा डिवीजन से है, तो इसको आप लोगों को याद करने की जरूरत नहीं है, जो उस डिवीजन सियालदा डिवीजन के वही लोग इसको देखें। अगला क्वेश्चन है, सियालदा स्टेशन और लाल गोला स्टेशन के बीच की दूरी कितनी है? 20 नंबर का क्वेश्चन है, 226 किलोमीटर। सियालदा स्टेशन और लाल गोला स्टेशन के बीच की दूरी लगभग कितनी है? 226 किलोमीटर है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा सियालदा रेलवे डिवीजन में है? निम्नलिखित में से कौन सा सियालदा रेलवे डिवीजन में है? 21 नंबर का क्वेश्चन है, तो प्लासी है। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका उपयोग ट्रेन को रोकने के लिए किया जाता है? तो लाल झंडा और डेटोनेटर दोनों का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, ट्रैक की शीतकालीन पेट्रोलिंग किसके द्वारा की जाती है? 23 नंबर का क्वेश्चन है, पेट्रोल मैन के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही है। 24 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया है, मिशन कार्ययोगी के तहत चुने गए कर्मचारियों में से जिन्हें हाल ही में किसे प्रशिक्षित किया गया था? 25 नंबर का क्वेश्चन है, मिशन कार्ययोगी के तहत चुने गए कर्मचारियों में से जिन्हें हाल ही में किसे प्रशिक्षित किया गया था? तो ये किया गया था ए और बी, ऑपरेटिंग विभाग और वाणिज्यिक विभाग दोनों को किया गया था। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्टेशन पर सियालदा डिवीजन में बांग्लादेश के साथ इंटरचेंज किया जाता है? 25 नंबर का क्वेश्चन है, गेंदे के साथ। ऑप्शन नंबर ए सही है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 25 नंबर का। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी वस्तु सियालदा डिवीजन में एनएसीसी साइडिंग में अनलोडिंग होती है? 26 नंबर का क्वेश्चन है, तो सीमेंट की अनलोडिंग होती है। निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु सियालदा डिवीजन के एनएसीसी साइडिंग में अनलोडिंग होती है? तो सीमेंट का। अगला क्वेश्चन है, 27 नंबर का क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु सियालदा डिवीजन के टीजीएच साइडिंग पर लोड की जाती है? 27 नंबर, गनी बैग। ऑप्शन नंबर ए सही है, गनी बैग। अगला क्वेश्चन पूछा गया, निम्न में से कौन सी वस्तु सियालदा मंडल के चितपुर साइडिंग में अनलोडिंग होती है? तो ए ऑप्शन सही है, नमक की। 29 नंबर का क्वेश्चन पूछा, निम्न में से कौन सी एक गार्ड की आवश्यक वस्तुएं हैं? निम्नलिखित में से कौन सी एक गार्ड की आवश्यक वस्तु नहीं है? डेटोनेटर है, लाल झंडी है, टार्च हाथ से सिग्नल है, सही है, मोबाइल चार्जर नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रीन नोटिस दस्तावेज में प्रयोग किया जाता है? 30 नंबर का क्वेश्चन है, तो ये किया जाता है नॉन इंटरलॉक कार के लिए। ऑप्शन नंबर ए सही है। ग्रीन नोटिस दस्तावेज किसके लिए प्रयोग किया जाता है? नॉन इंटरलॉक कार के लिए। 31 नंबर का क्वेश्चन है, बीपीसी का फुल फॉर्म क्या है? ब्रेक पावर सर्टिफिकेट है। ऑप्शन नंबर ए सही है। 32 नंबर का क्वेश्चन है, पैनल रूम में आग लगने की स्थिति में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? 32 नंबर का क्वेश्चन है, अग्निशामक यंत्र का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही है। 33 नंबर का क्वेश्चन है, वर्किंग टाइम टेबल किसके द्वारा बनाया जाता है? तो ये बनाया जाता है पीसीएम कार्यालय द्वारा बनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही है, पीसीएम और सीपीटीएम के द्वारा या पीसीएम कार्यालय के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेटोनेटर रखे जाते हैं? 34 नंबर का क्वेश्चन है, तो ये रखे जाते प्लास्टिक टिन बॉक्स में रखे जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा ट्रेन पर ड्यूटी लेते समय गार्ड का कर्तव्य है? ट्रेन की उचित कपलिंग सुनिश्चित करना, निर्धारित ब्रेक पावर सुनिश्चित करना, और ए और बी दोनों। 35 नंबर का क्वेश्चन है,
दोनों सही, ए और बी दोनों। अगला क्वेश्चन है, जब कोई ट्रेन स्टेशन सीमा के भीतर होती है तो गार्ड किसके आदेश के अधीन हो जाता है? 36 नंबर का क्वेश्चन है, तो स्टेशन मास्टर के अधीन हो जाता है, ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला क्वेश्चन है, बीएलसीए वैगनों का परिवहन में प्रयोग किया जाता है, किसके लिए प्रयोग किया जाता है? 37 नंबर, ए कंटेनर के लिए, ऑप्शन नंबर ए सही है। बीएलसीए वैगनों का कंटेनर परिवहन में प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक गेटमैन का कार्य कर्तव्य नहीं है? ट्रेन में आग और धुएं की जांच करना, हैंगिंग पार्ट की जांच करें, हार्ट एक्सेल की जांच करें, बीपीसी की जांच करें। तो बीपीसी नहीं है, ऑप्शन नंबर डी गलत है। ट्रेन में आग लगना और धुएं की जांच कर सकता है, देख सकता है, हैंगिंग पार्ट भी चेक कर सकते हैं, हार्ट एक्सेल भी चेक कर सकता है, गाड़ी जाते समय चेक करना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोको पायलट और गार्ड को दिए गए कॉशन ऑर्डर में जानकारी शामिल होता है, अस्थायी गति प्रतिबंध, ब्लॉक वर्किंग रूल, ए और बी दोनों। 39 नंबर का क्वेश्चन है, तो अस्थायी गति प्रतिबंध के बारे में बताया जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सियालदह डिवीजन में काम कर रहा है? 40 नंबर का क्वेश्चन है, तो स्वचालित ब्लॉक प्रणाली और पूर्ण ब्लॉक पद्धति दोनों चल रहा है, ए और बी दोनों सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका उपयोग स्थिर रैक को सुरक्षित करने में नहीं किया जाता है? लोहे की जंजीर और ताला लगाना, वुडेज बेल लगा, आयरन स्टिक, आयरन पॉइंट स्क्रू कपलिंग। 41 नंबर का क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर डी गलत है। निम्न में से किसका उपयोग स्थिर रैक को सुरक्षित करने में नहीं किया जाता है? आयरन पॉइंट स्क्रू कपलिंग नहीं किया जाता है। लोहे की जंजीर और ताला लगाया जाता है, वुडन बेज भी लगाया जाता है, आयरन स्क्रिप लगाई जाती है, तीनों लगाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहले वर्तमान में रेल मंत्री कौन है? तो ए वैष्णव है, अश्विनी वैष्णव है, ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे में ब्रॉडगेज का डायमेंशन कितना होता है? 1676 होता है एमएम, ऑप्शन नंबर ए सही है। भारत में पहली ट्रेन शुरू की गई थी 1853 में, शुरू किया गया था। 44 नंबर का क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला क्वेश्चन है, डिवीजन के रोलिंग ग्रेडियंट को में परिभाषित किया जाता है, 45 नंबर का क्वेश्चन है, तो WTT में परिभाषित किया जाता है, ऑप्शन नंबर बी सही है। डिवीजन का कॉरिडोर ब्लॉक में दिया जाता है, 46 नंबर का ऑप्शन नंबर WTT में दिया जाता है, ऑप्शन नंबर बी सही है। इंजीनियरिंग अलाउंस का उल्लेख इनमें से किया जाता है, इंजीनियरिंग अलाउंस का उल्लेख इनमें से किया जाता है, 47 नंबर, तो WTT में किया जाता है, ऑप्शन नंबर बी सही है। भारत में किन ट्रेनों के रूट की लंबाई सबसे लंबी है? 48 नंबर का विवेक एक्सप्रेस का, ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला क्वेश्चन है, एक स्टेशन जहां रेल लाइन समाप्त हो जाती है उसे कहते हैं टर्मिनल स्टेशन, 49 नंबर, डी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा भारतीय रेलवे में सबसे अधिक इस्तेमाल किया जाने वाला बैलास्ट है? कंक्रीट बैलास्ट है, 50 नंबर का ऑप्शन नंबर सी सही है। ब्रोकन स्टोन बैलास्ट, ऑप्शन नंबर सी सही है। अर्थशास्त्र किसके द्वारा लिखा गया था? तो ये कौटिल्य के द्वारा लिखा गया था, ऑप्शन नंबर ए सही है। भारत का गुलाबी शहर किसे कहा जाता है? जयपुर को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर ए सही है। मजदूर दिवस मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 1 मई को, ऑप्शन नंबर ए सही है। विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है 5 जून को, ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला, के पांच नदियों की भूमि कहा जाता है? पंजाब को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला, उगते सूरज की भूमि को कहा जाता है? जापान को, 56 नंबर, जापान को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर ए सही है। स्वर्ण मंदिर का शहर स्थित है अमृतसर में, ऑप्शन नंबर ए सही है। गेटवे ऑफ इंडिया स्थित है? तो ये भी नई दिल्ली में स्थित है, ऑप्शन नंबर ए सही है।
गेटवे ऑफ इंडिया में है, सॉरी मुंबई में है, 69 नंबर का बी सही है। गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में है और ये है इंडिया गेट दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डार्क महाद्वीप स्थित है, 60 नंबर का क्वेश्चन है, अफ्रीकी महाद्वीप में स्थित है, ऑप्शन नंबर ए सही है। डार्क महाद्वीप 60, अफ्रीकी महाद्वीप में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एडीबी का पूर्ण रूप क्या है, 61 नंबर का क्वेश्चन है, तो ये एशिया डेवलपमेंट बैंक होता है, ऑप्शन नंबर ए सही है, एशिया डेवलपमेंट बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन, एफओआईएस का फुल फॉर्म क्या है, फ्लाइट ऑपरेशन इंफॉर्मेशन सिस्टम, तो ऑप्शन नंबर ए सही है, फ्लाइट ऑपरेशन इंफॉर्मेशन सिस्टम, ऑप्शन नंबर ए सही है। COIS का फुल फॉर्म कोचिंग ऑपरेशन इंफॉर्मेशन सिस्टम, ऑप्शन नंबर ए सही है, इसका फुल फॉर्म पूछा रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, इसरो का फुल फॉर्म क्या है, तो ये है आपका इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसके द्वारा लिखी गई थी, ये पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लिखा गया था, ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोदान किसके द्वारा लिखा गया था, मुंशी प्रेमचंद के द्वारा लिखा गया था, 65 नंबर का ए ऑप्शन सही है। गोवा की राजधानी है पणजी है, ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 67 नंबर, 68 में बिहार की राजधानी है पटना, ऑप्शन नंबर ए सही है। गुजरात की राजधानी गांधीनगर है, ऑप्शन नंबर ए सही है। 69, 70 का नंबर का, महाराष्ट्र की राजधानी है मुंबई, नागालैंड की राजधानी कोहिमा, 71 नंबर के। उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ, ऑप्शन नंबर ए सही है। भारत का राष्ट्रीय पशु है, 73 नंबर का बाघ है, ऑप्शन नंबर ए सही है। भारत का राष्ट्रीय फूल है कमल है, ऑप्शन नंबर ए सही है। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है, 75 नंबर का क्वेश्चन, डॉल्फिन। भारत का राष्ट्रीय नदी है गंगा नदी है, 76 नंबर का ए ऑप्शन सही है। अग्निपथ योजना का संबंध किससे है, सेना से है, ऑप्शन नंबर ए सही है। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है ईटानगर है, ऑप्शन नंबर ए सही है। भारत का सर्वोच्च न्यायालय स्थित है नई दिल्ली में है, दिल्ली में है या नई दिल्ली में है। बिहू किस नृत्य किससे संबंधित है, असम से, ऑप्शन नंबर ए सही है। भाखड़ा नृत्य किससे संबंधित है, 81 नंबर का क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर ए पंजाब से है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुंदरबन स्थित है पश्चिम बंगाल में, 82 नंबर का, ऑप्शन नंबर ए सही है, पश्चिम बंगाल में स्थित है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, सबसे बड़ा भारतीय स्तनपायी जीव है, 83 नंबर का शेर है, ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीजल लोकोमोटिव वर्कशॉप स्थित है वाराणसी में स्थित, ऑप्शन नंबर ए सही है। काशी हिल्स एरिया लोकेट कहाँ स्थित है, 85 नंबर, आप मेघालय में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, रेडियम की खोज किसने की थी, 86 नंबर, मैरी मैरी क्यूरी की थी, ऑप्शन नंबर ए सही है। जेम्स वाट किसकी किसका आविष्कार किया था, भाफ इंजन का, 87 नंबर का ए सही है। दिलवाड़ा मंदिर कहाँ स्थित है, 88 नंबर का बी ऑप्शन, राजस्थान में। दिलवाड़ा मंदिर किस कहाँ स्थित है, 88 राजस्थान में। गोल गुंबद स्थित है बीजापुर में,
ऑप्शन नंबर ए सही है। भारतीय विज्ञान संस्थान स्थित है, 90 नंबर का क्वेश्चन है, बंगलोर में स्थित है, ऑप्शन नंबर ए सही है। इंडियन स्कूल ऑफ माइंस स्थित है, 91 नंबर का क्वेश्चन, नवाद में है। चार मीनार स्थित है, हैदराबाद में स्थित है, ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन सही है। खुजराहो मंदिर मध्य प्रदेश में स्थित है, ऑप्शन नंबर ए सही है। भारत का गार्डन सिटी कहाँ स्थित है, 94 नंबर का ए आप बंगलोर में स्थित है। अजंता की गुफाएं कहाँ स्थित है, अजमेर में है। अजंता की गुफा और सॉरी औरंगाबाद में है, ऑप्शन नंबर डी सही है। सूर्य मंदिर स्थित है तो ये कोणार्क में स्थित है, ऑप्शन नंबर ए सही है। मीनाक्षी मंदिर स्थित है, 97 नंबर का ऑप्शन नंबर सी मदुरै में स्थित है, ऑप्शन नंबर सी सही है। रॉक गार्डन स्थित है, चंडीगढ़ में स्थित है, ऑप्शन नंबर डी सही है। भारत का पहला परमाणु रिएक्टर कहाँ है, अप्सरा है, ऑप्शन नंबर डी सही है, दोनों ही अप्सरा लिखा हुआ है। विश्व बैंक स्थित है, 100 नंबर का क्वेश्चन है, यूएसए में, ऑप्शन नंबर ए सही है। संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं, 22 भाषाएं हैं, ऑप्शन नंबर ए सही है। हिंदी दिवस मनाया जाता है 14 सितंबर को मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर ए सही है। केंद्रीय हिंदी समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं, तो प्रधानमंत्री होते हैं, ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय हिंदी समिति किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है, तो ये आ जाता है गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है, ऑप्शन नंबर ए सही है। राजभाषा पर वार्षिक कार्यक्रम कौन तैयार करता है, तो ये तैयार गृह मंत्रालय तैयार करता है, ऑप्शन नंबर ए सही है। कि केंद्र सरकार कर्मचारी के लिए कितने हिंदी पाठ्यक्रम निर्धारित किया है, 4, ऑप्शन नंबर ए सही है। किस वर्ष सिंधी को 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया था, 107 नंबर, 1967 में जोड़ा गया था, ऑप्शन नंबर ए सही है। मैथिली बोडो डोगरी और संथाली को किस वर्ष 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया था, 108 नंबर, ए 2004 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के अनुसार सांविधिक नियमों या विनियमों और आदेशों का अनुपालन कौन कर रहा है, ए कानून मंत्रालय, ऑप्शन नंबर ए सही है। संसदीय राजभाषा समिति में कितने सदस्य होते हैं, 110, तो 30 सदस्य होते हैं। इस तरह से 110 क्वेश्चन समाप्त है। इसमें कोई मिसिंग हो या गलती हो तो उसको कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा दीजिए, या अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।